तो ये देखें, ये इसका 100 का नोट है और हाउ आर यू? गुड बस जज या मैं बस असलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बलंतायर मलावी, जहाँ पे मैंने पिछले 2 नाइट से स्टे किया है और ओवरऑल मलावी में हमने 6 या 7 दिन स्टे किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे मलावी के ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, स्पेशली लेक मलावी को हमने खूब इंजॉय किया और कोशिश की कि आप लोगों को मलावी की खूबसूरती दिखा सकूँ। आज हम मलावी को खैरबाद कह के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ मोजम्बिक का और मोजम्बिक से आगे जिम्बाब्वे, फिर जाम्बिया के लिए, क्योंकि मोजम्बिक का बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल करीब है। आज प्लान करेंगे कि इंशाल्लाह हम लोग टेट तक पहुँच जाएँ। मोजम्बिक की एक सिटी है, यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर, हो सकता है 5-5.5 घंटे की हमारी राइड होगी। और बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है ये मुझे नहीं पता। नई बॉर्डर क्रॉसिंग है, एक नया एक्सपीरियंस, नया मुल्क, तो जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। बस अभी करना है यहाँ से अच्छा सा नाश्ता, क्योंकि इस होटल में नाश्ता बहुत कमाल का मिल रहा है। को आधा पौना घंटा में नाश्ता मिल करने पर लग जाएगा, क्योंकि खूब खाएँगे। दोपहर का पता नहीं खाना मिले ना मिले, लेकिन नाश्ता ज़रूर करके उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह निकलते हैं। लेट्स गो बॉयस। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई के रेस्टोरेंट में हमारा मीट एंड ग्रीट सेशन था और आज इन्होंने सुबह सुबह क्या लेके आए थे, वो मैक्सिकन रैप लेके आए थे। आप मैक्सिकन रैप लेके आए, तो हमारा लंच इन्होंने बंदोबस्त कर दिया। रास्ते में हमें कहीं पे भी जगह मिली तो हम खा लें। बहुत शुक्रिया सर। आपको हम बता नहीं सकते, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। इंसान ही इतने अच्छे हो कि लोग मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ कुछ मलावियन राइडर्स हैं इनसे मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, ये इधर तस्वीर ले रहे हैं चल 1200 1250 डुकाती, सारी बड़ी बाइक्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह जी सखर ला हाजा व माकुन मकरन वाइना रबी नमन काल मून। या अल्लाह पाक खैर खरीत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। ये लोग शायद मेरे साथ बॉर्डर तक जाएंगे, तकरीबन नेविगेशन बता रही है 108 किलोमीटर है, 1.5-2 घंटे का हमारा सफ़र होगा। तो बॉर्डर से ये लोग वापस आ जाएंगे और मैं इंशाल्लाह आगे निकल जाऊंगा मोजम्बिक की तरफ। अब देखे सब ने मुझे लगा दिया आगे तो मैं नेविगेशन को फॉलो करूंगा, हालांकि लोकल्स को कुछ आगे होना चाहिए, गाइड करें मुझे कहां कहां से गुजरना है। पर फ़ायदा ये है कि मैं ज़रा अपनी स्पीड से जाऊंगा तो वो लोग भी स्पीड मेंटेन रखेंगे, अदरवाइज़ बहुत तेज़ी से जाएंगे तो बहुत चीज़ें हम कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट साइड पे मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी एशियन कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख तो सारे रिलीजन्स यहाँ पे बड़े पीसफुली रहते हैं। अच्छा, तो रेड का क्या मतलब है कि रुकना नहीं है, अब हो गया ग्रीन। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी बॉर्डर क्रॉसिंग पे इस तरह इतने राइडर्स के साथ गया हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज संडे का दिन है इसलिए मोस्टली शॉप्स बंद हैं और छोटी सी इनकी राइडिंग कम्युनिटी है और बड़े हेल्पफुल हैं। सिटी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, बड़ा रिलैक्स है, पीसफुल है और सेफ़ है। मतलब कुछ शहरों में आप जाएं तो आपको डर लगता है कि थोड़ा अपना सामान का और हर चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है।
इस डुकाती की बहुत आवाज है। ये अब हमारे साथ रेस लगाने लगा है। इस टाइम आप कह सकते हैं कि 25-26 डिग्री होगा, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा होगी, क्योंकि आप देखें कि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। बड़ा आइडियल सा मौसम है रहने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। और जैसे मैं अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट कर रहा हूँ, यहाँ पे एशियन कम्युनिटी से मेरी मुलाकात होती है, बड़े बड़े बिजनेस हैं लोगों के, तो मुझे हैरत हो रही है कि और पाकिस्तान से लोग यहाँ पे बिज़नेस के लिए क्यों नहीं आ रहे। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और मोस्टली जितने भी बिजनेसमैन मुझे नज़र आए हैं वो सारे गुजरात कच्छ वाले एरिया से हैं। कुछ जगहों पे पाकिस्तानी हैं लेकिन इतने नहीं हैं रिलेटिवली, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये थोड़ा सा रश वाला एरिया है, मुझे लगता है जिस तरह बस स्टॉप के आसपास के गांव या शहरों के लिए यहाँ से बसें निकलती हैं, ये वैन्स। ये आगे है हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग। ये वन स्टॉप बॉर्डर नहीं है, तो पहले हमने मलावी वाला करवाना है और फिर मोजम्बिक की तरफ। सो हमने यहाँ से अपनी मलावियन करेंसी और कुछ डॉलर एक्सचेंज कर लिए मोजम्बिक की करेंसी में। यहाँ पे आ गया मेथी कैश। तो ये देखें, ये इसका 100 का नोट है, और यहाँ पे ये 200 वाले हैं। तो इस तरह एक डॉलर के में मिले हैं 62 मेथी कैश। तो इनको बॉर्डर वालों ने अलाउ कर दिया है कि दूसरी साइड पे जा सकते हैं, मुझे छोड़ के ये लोग वापस आ जाएंगे। मलावी वाला हमारा प्रोसेस बड़ा इजी रहा, सिर्फ एग्जिट स्टैंप लगवानी थी और कार्नेट के ऊपर, क्योंकि हमारी बाइक यहाँ पर भी इंटर हुई थी, सिमिलरली कार्नेट पे ही एग्जिट हुई, और कोई हमने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं की, कोई पैसे नहीं दिए। हाउ आर यू? गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, बाय बाय मलावी, में भी हम कभी दोबारा यहाँ पे वापस आएँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि हमारा मोजम्बिक वाला बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वीज़ा और बाकी चीज़ें जैसे इंश्योरेंस हो गई या फिर कार्नेट के ऊपर एंट्री है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं, इधर वाला अपना सारा प्रोसेस क्लियर करवाएंगे। तो दूसरी जगह पे जिधर वन स्टॉप बॉर्डर थे, उधर एक ही जगह पे दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स बैठे होते थे, उसी जगह पे सारे काम हो जाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग शायद अभी भी किस तरफ हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही हमें। मुझे था कि अगर एक नो मैन लैंड आता है तो वहाँ पे कोई लोकल्स नहीं होंगे, तो ये लोग एक्चुअली दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में रहते हैं, लेकिन ये मुझे लग रही है मलावी वाली साइड ही है।
यहाँ पे साइन बोर्ड और सारी चीज़ों पे इंग्लिश ही लिखी होती है, उस साइड पे हो सकता है पुर्तगीज़ में सब कुछ हो, क्योंकि मोजम्बिक पुर्तगाल की कॉलोनी रही है। लेकिन ओवरऑल बड़ा खूबसूरत रीजन है, छोटे छोटे से पहाड़ हैं, ग्रीनरी काफ़ी है, एग्रीकल्चर है चारों तरफ। अच्छा खासा डिस्टेंस है दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर क्रॉसिंग्स में, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर है। तो ये फर्स्ट टाइम हमें इस तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग इधर ईस्ट अफ्रीका में मिली है, जहाँ पे आपको 4-5 किलोमीटर राइड करके जाना है, अदरवाइज साथ साथ ही सब कुछ हो जाता था। अब लगता है कि सामने आ गई है मोजम्बिक की इमिग्रेशन और बाकी सारा कुछ जो प्रोसेस होगा हमारा। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा लोग करेंसी एक्सचेंज के लिए खड़े हैं, सिम कार्ड्स बेच रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। यहीं पे बॉर्डर पे हम ले रहे हैं इससे सिम। शहर तक गुजारा कर जाएगा आराम से। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन for coming long way to see me off. Let's see, inshallah. Will do. Thank you very much. It was pleasure. Thank you very much. Ride safe. Okay, thank you. Thank you ji. Khairiyat se jaye. Yes. Hamare yahan pe sare kaam ho chuke hain. और मैंने नोटिस किया कि इधर काफ़ी गर्मी है कंपेयर टू पिछला हमारा जो राइड वाला एक्सपीरियंस रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह पाक हमारा अगला भी सफ़र अच्छा गुजरे। वेलकम टू मोजम्बिक। हमारे इस टूर की कौन सी कंट्री होगी, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, सातवीं कंट्री है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट कल्चर, क्योंकि ये पुर्तगीज़ कॉलोनी थी तो थोड़ी बहुत पिछली कंट्रीज से हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। यहाँ पे हमने, क्योंकि जर्मन पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं चाहिए, तो उन्होंने कुछ $10 लिए हैं, एक पर्ची सी बना के दी है, अराइवल की स्टैंप लगा दी है। और बाइक के लिए कारनेट ज़रूरी नहीं था, रोड टैक्स उन्होंने लिया $10 और $15 की यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि $35 में ये हमारा सारा काम हुआ। लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग पे काफ़ी टाइम लग गया, उनको चाहिए थी यहाँ पे कोई ना कोई होटल की बुकिंग। बुकिंग तो मैंने ऑनलाइन कर ली क्योंकि हमने सिम यहाँ से ख़रीद ली थी, यहाँ पर मलावी वाला इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन मसला ये हुआ कि कहते हैं कि उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आओ। अब हमारे पास कोई इधर प्रिंटर की ऑप्शन थी नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई एक घंटे के बाद हमें एक बंदा मिला, वो गया हुआ था, थी तो पास ही बॉर्डर पे शॉप, लेकिन अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रिंट साथ ही करवा के लेके आएं। लेकिन खैर, 2 घंटे के अंदर हम यहाँ पे फारिग हो गए हैं और यहाँ से अभी टेट, जो इनकी पहली बड़ी सिटी आएगी, 130
35 किलोमीटर नेविगेशन बता रही है, कुछ 2.25 घंटे की राइड है। बुकिंग मैंने यहाँ पे जो होटल की करवाई है वो बहुत एक्सपेंसिव था, तकरीबन $100 के आसपास था, तो वो मैंने सिर्फ वीज़े के लिए करवाई है, उसको बाद में मैंने कैंसिल करवा दिया है। अब वहाँ जाके हम खुद अपनी मर्ज़ी से होटल ढूंढेंगे। लेट्स सी कितना अच्छा हमें वहाँ पे होटल मिलता है, किस तरह के रहते हैं, करेंसी हमारे पास यहाँ की है, सिम कार्ड है, इंटरनेट चल रहा है, तो सब कुछ है हमारे पास। और बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद टायर के बाइकर्स का जिन्होंने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी भी तरह का कोई मसला मसाइल था, दे वर वेरी हेल्पफुल, तो बहुत शुक्रिया भाइयों आपका। और उम्मीद है कि कभी ना कभी इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और आप लोगों को पाकिस्तान आना चाहिए, वहाँ के पहाड़ों को एंजॉय करना चाहिए। हमने तकरीबन 70 किलोमीटर की राइड की है बॉर्डर से लेके यहाँ तक की। एरिया बहुत खूबसूरत है, थोड़ी यहाँ पे गर्मी ज़रूर है, और दूसरा ये कि रास्ते में कोई ऐसा जगह नहीं आई कि आपको कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट किसी तरह की चीज़, तो सिमिलर सा आप कह सकते हैं कि जिस तरह मलावी में भी था कि कभी कभी कोई लॉज वगैरह आ जाए तो वहाँ पे आप खाना वगैरह अपने लिए मंगवा सकते हैं, कोई कॉफ़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे रास्ते कोई अभी तक अकोमोडेशन नज़र नहीं आई। लकीली सुबह आसिफ भाई ने कुछ रैप्स वगैरह बना के दे दिए, तो उनका अपना रेस्टोरेंट है तो हमारी मौजें होंगी। अदरवाइज़ हमने टेट जाके तकरीबन यहाँ से कोई 1.5 घंटे की और राइड के बाद कुछ ना कुछ खाने को मिलना था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि रास्ते में काफ़ी धूप पड़ रही थी डायरेक्ट, कि कहीं ख़राब ना हो गया, लेकिन बिल्कुल मज़े का लग रहा है। और ये आराम से खाते हैं, और साथ में हमारे पास पानी की बॉटल है, तो आज हमारे पास पूरा लंच का सामान है। ऐसी कोई हालत मेरी टाइट हुई हुई है, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं किसी न किसी जगह मैंने मार देनी थी इधर। मैं कहा कि ये एक शॉप नज़र आई है, खाना भी यहाँ पे है और लिखा भी बाहर हुआ है हलाल, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअली सिर्फ कॉफ़ी। ओए होए होए, ये गर्मी ने ना पता नहीं क्यों, जब भी गर्मी में मैं बाइक चलाता हूँ मुझे हमेशा नींद आती है, और आज 3-4 बार आँख लगी है, फिर थोड़ा सा झटका लगता था फिर मैं उठ जाता था। तो कुछ 40 किलोमीटर के बाद मैंने कहा नहीं, अब नहीं, हमारे सिर्फ 30 किलोमीटर रहते हैं, थोड़ा सा सफ़र है हमारे पास, अच्छा खासा दिन है, तो आराम से सुकून से करते हैं, ये ना खुदा ना खास्ता किसी जगह मैं इधर पहले दिन ही एक्सीडेंट करके बैठा हूँ। तो कॉफ़ी हमें यहाँ से मिल गई है, इस कॉफ़ी की अशद ज़रूरत है हमें, एटलीस्ट जगा के रखेगी। अगला 1 घंटा शायद लग ही जाए, 1 घंटे से कम लगेगा, 30 किलोमीटर है, रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है, कोई इशू नहीं है अभी तक जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रैवल की है। और बस ये ज़रूर है कि लैंग्वेज का यहाँ पे इशू आ रहा है, तो थोड़ा बहुत लोकल्स के साथ कोशिश करता हूँ कि ज़रा इंग्लिश में, या इवन मुझे थोड़ी बहुत स्पेनिश आती है तो वो मिलती जुलती है कुछ लफ्ज़ उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खैर कॉफ़ी पीते हैं अभी। अभी हम लोग एंटर हो गए हैं तेत में, बड़ा सिमिलर सा शहर है जिस तरह हम लोग पीछे मलावी में, तंजानिया में, कीनिया में, इन सारे कंट्रीज़ के शहरों में से गुज़र के आए हैं, बिल्कुल मिलता जुलता है। हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ की तरह ये भी शहर काफ़ी साफ़ सुथरा है, और पूरे ईस्ट अफ्रीका में अभी तक मैंने जितना विज़िट किया है
साफ़ सफाई बहुत है, आपको बहुत कम जगहों पे कचरा वगैरह नज़र आता है, लेकिन बाकी मार्केट्स, लोग, कल्चर वो बहुत सिमिलर सा है। इवन कि यहाँ पे पुर्तगीज़ कल्चर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर नज़र आना चाहिए, स्पेशली यहाँ की इमारतें वगैरह पुराने टाइम की जो बनी हुई हैं वो थोड़ी शायद हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन बाकी सब कुछ सिमिलर सही है। और अभी हमारे राइट साइड पे दोबारा से ज़म्बेज़ी रिवर आ गया है। जिस तरह कुछ शहरों के अंदर लेक्स हैं या फिर कोस्टल सिटीज़ हैं, यहाँ की मेन अट्रैक्शन इधर का दरिया है। सामने बड़ा खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है, इसकी बंदा अच्छी सी ड्रोन शॉट्स ले सकता है। तो ये ऐसे लग रहा है यहाँ का सिटी सेंटर है, मेन मार्केट वाला एरिया है। इधर ही देखते हैं आसपास में कहीं पे कोई होटल मिल जाए। तो ये है होटल ज़म्बेज़ी, इसकी ट्राई कर लेते हैं अगर कोई डिसेंट रेट में मिल गया तो। रूम मैंने यहीं पे ले लिया है। इनिशियली प्लान ये कर रहा था कि booking.com से बुक करके फिर आप किसी होटल पहुंच जाए, क्योंकि जब बंदा थका होता है फिर दिल नहीं करता कि बार बार होटल अगर कोई पसंद नहीं आया तो दूसरे की तरफ चले जाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑनलाइन मिल ही नहीं रही थी। 4 या 5 होटल्स आप बुक कर सकते थे, उनमें से कोई भी सबकी प्राइसेस थी $90 प्लस, और कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था जिसकी रेटिंग अच्छी हो। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट आज हमारे पास टाइम है तो जाके देखते हैं। और लकीली पहला होटल ये हमें पसंद आ गया। रूम बड़ा साफ़ सुथरा, अच्छा डिसेंट सा उन्होंने इसको सजाया हुआ है, कोई शशके और इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़ा कम्फी सा रूम है। और इसके साथ वॉशरूम भी बड़ा साफ़ सुथरा है। सामने यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ज़म्बेज़ी रिवर का व्यू भी आ रहा है, ब्रिज भी यहीं से देख सकते हैं। और इस रूम के मैंने पे किए हैं $55। आई एम नॉट श्योर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे प्राइसेस किस तरह की हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि ठीक है यहीं पे नाइट स्टे करते हैं आराम से और थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आज ही हमारे पास डिनर में है पिज्ज़ा, और मुझे भूख बहुत लगी थी। बिल्कुल पास में एक मुझे रेस्टोरेंट मिल गया था तो वहाँ पे जब गया हूँ ऑर्डर वगैरह किया है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो इतनी थकावट के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अभी मैं वहाँ बैठ के खाऊँ। तो मैंने कहा चलो आराम से सुकून से अपने रूम में बैठ के खाते हैं। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट मुझे मिले हैं जहाँ पे बड़े ईजिली आपको हलाल फूड मिल जाता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये भी एक किसी पाकिस्तानी, मतलब जो बड़े पुराने यहाँ पे रह रहे हैं, उनका रेस्टोरेंट था। फुल ऑफ चीज़, बस ठीक है पेट भर जाएगा। मुझे जी यहाँ पे टेट में 2 कराची बॉयज मिले हैं, यहाँ पे ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट गया था तो वहाँ पे बैठे हुए थे तो लकली इनसे मुलाकात हुई। ये स्पेशल कोई यहाँ की अपने घर की कुल्फी ले गए हैं क्या, मतलब इसका कलर ग्रीन ग्रीन है, इसमें पिस्ता डाला हुआ है, ये देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े शहर में अफ्रीका में लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल का कर रहे हैं ना, बता रहे हैं मोबाइल की शॉप्स हैं। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जी मैं यहाँ पे कुल्फ़ी खाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।